पाउण दा जतन करिए। गुरदेव पातशाह जी ने समुची मानवता नू मानसिक तौर ते शरीरक तौर ते आजाद बनाया है। आजादी का अर्थ है मनुख अपने जीवन नू सही ते सुचजे ढंग दे नाल बतीत कर लग्या हिचकचाए ना, किसी का डर महसूस ना करे, अपने धार्मिक विचारां नू जीवन विच अपनाउण लग्या, धर्म की बोली ते धर्म की आवाज दे धारनी होण लग्या, किसी का डर महसूस ना करे। पर जदों कौमां दी सिरजना दी गल हुंदी है तां कौम बहुत सारे बंदियां दे सुमेल विच्चों एक कम्यूनिटी कह लिए, पर उस सुमेल विच अगर ते एक सारता है, उस सुमेल विच उस इकट्ठ विच बैठे हुए मनुखां दे अंदर अपने टीचे प्रति अपने मकसद प्रति जागरूकता है, ते कोई भी कौम कोई भी धर्म तरक्की करते। पर जे अपने मकसद प्रति जागरूकता नहीं भी मैं हां की करना की है, मेरी जिंदगी मेरा जीवन कहो जिहा होना चाहिए, मैं कैसा हाँ, जे इस प्रति सुचेतपन नहीं फिर जीवन दे राह विच बहुत सारे रोड़े ने। मनुख अपने अज्ञानता वस समझते अपनी सोच दे कारण ही कई बार अपना भी नुकसान कर दे, अपनी धर्म दा भी नुकसान कर दे। गुरु की विचार अंदर जो गुरु साहब ने धर्म दी परिभाषा दिती है वो साडे जीवन दा अनिखड़वा अंग है, जिन्हों असी कदी भी अपनी जिंदगी विच दूर नहीं करना हर वक्त। ते उस विचार नू उस आवाज नू मनुख अपने जीवन विच जदों लैके तुरदे फिर मनुखी जीवन विच गुलामी दा एहसास नू दुनिया दे किसी भी कोने विच होवे, जिस देश विच रहिंदे उस देश दे सिस्टम मुताबक तुरना, उस देश दे कानून मुताबक तुरना एक फर्ज बनदा है। पर कानूनी प्रक्रिया विच रहन तो बाद भी जे मनुख अपने धर्म दी विचारधारा अपने धर्म दे सिद्धांत नू किते थां दिंदा है, ते जे ओदे उस धर्म विच ओदी उस सच्चाई विच ओदे उस सोहणे जीवन विच किते राष्ट्रवाद जां कानून आके अड़चन पाउंदे, इहदा अर्थ है जिस देश विच रहिंदे उथों दे लोकां नू ओदा धर्म ते ओदी आवाज ते ओदी आजादी पसंद नहीं। पर इहदे वास्ते मनुखता अपना रोल अदा करे। सतगुरु की बाणी ने एक बड़ा महान सिद्धांत साडे सामने रखे, धर्म दृढ़ो, अपने जीवन विच उन्हां विचारां नूं लैके आओ जिन्हां नाल तुहाडे जीवन दे विचों मानसिक गुलामी खत्म हो जाए, जिहड़ी तुसीं अंदर गुलामी धारण करके बैठे हो वह गुलामी मिट जाए। जदों मनुख अंदरों आजाद होएगा, मानसिकता मनुख की सोच मनुख की समझ आजाद होएगी, फिर बाहरी आजादी की गल हुंदी है। उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक इंसान अंदरों आजाद नहीं बाहरी आजादी की गल नहीं की जा सकती। असी अपने धर्म का मसला लेके बैठे भी सानू अपनी आजाद विचारधारा चाहिए है, असी जिथे भी जीए आजाद बोली दे नाल जी सकीए, साडे धर्म ते कोई राजनीतिक गलबा राजनीतिक ताकत का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पर वह विशा बहुत अगे है, अजे अपने मन विच झाती मार के वेखीए भी जेड़े अपने आजादी की मंग करते ने कि वह अपने गुरु की मत मुताबक आत्मक तौर पर मानसिक तौर पर आजाद ने, उथे कोई ज्योतिषी आके बैठे, उथे कोई पांधा कोई साध बाबा आके टिके, किसी मनुख की मुथाजी लैके मनुख बैठे,
अपने जीवन दे विच आपदे फैसले कराउन वास्ते किसे होर नू अपनी जिंदगी दे विच आस रखदे वी कोई होर आके मेरे जीवन दा सहारा बने। सतगुरु इसे करके हर एक मनुख दे जीवन दे विच ये गल कर करना चाहुंदे आ, तू इंसान है, तू अपने जीवन दी सोहनी धारना सिर च, ते इहदे विच कोई शक नहीं जिहड़ा मनुख आजाद हुंदे उह धर्म नू हमेशा अपने नाल रखदा। जिदे जीवन विच अपने मुरशद अपने गुरु प्रति प्यार है, अपने गुरु प्रति जीवन दे विच विश्वास लेके तुरे, अपने गुरु की आवाज नू समझदे वी हां जो गुरु साहब ने गल कही ओ मेरी जिंदगी का आधार बने, मैं सोहना बन जाऊं, फिर वह मनुख अपने जीवन दे विच गुरु की मत नू लेके तुरदे, ते गुरु की मत हमेशा उहदे नाल रहिंदी। एक छोटा जिहा पक्ष, जिहड़ा असी धर्म कमाउने आ, इह गल हमेशा ख्याल रखी, वह साडा धर्म अपनी सोच मुताबक सिरजिया होया है भी मैं गुरुद्वारे आना हाँ, मैं किसी धार्मिक अस्थान ते जाना है, उत्थे इष्ट दे सामने सिजदा करने, उस अस्थान तो जो प्रसाद रूप विच मैनू मिलेगा वह लेने वापस अपने घर विच आ जाने, सवेरे भी यही करने शाम नू भी यही करने। मुबारक है धार्मिक विचारधारा विच गुरु घर आके कोई हाजरी भरे, चाहिए उस क्लास विच बहना जिथों कुछ सीखने वास्ते प्राप्त होवे, पर की सवेरे आना शाम नू आना यही धर्म है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने एक बड़ा स्पष्ट पक्ष साडे सामने रखे, कहन लगे तू गुरु कोल आना ते आउण दा मकसद की है, इत्थों तू सोची प्राप्त करनी है, कुछ समझ लैनी है जिहदे नाल तेरे जीवन दे विच सवेर तो लैके शाम तक जां हमेशा तेरे जीवन दे विच एक सारता रहे, तू अपनी आत्मक आजादी दे नाल जिंदगी बतीत कर सके, तेरे जीवन दे विच किते ना किते ओ धर्म टिके जिहदे नाल तेरा अपना भी भला है ते तेरे समाज दा भी भला है, चंगियां विचारां आउण गुरु की मत आवे। ते जे इंसान सवेरे शाम हाजरी भर के ये सोच रहे भी मेरा धर्म पूरा हो रहा, सतगुरु दे घर अंदर एक गल स्पष्ट साडे सामने रखी गई भी जे हाजरी भरन तो बाद टिकन तो बाद सुनन तो बाद जीवन दे विच कोई बदलाव नहीं, कोई नवे जीवन की शुरुआत नहीं हुई, कुछ जीवन नू मिलिया नहीं, कुछ खुराक नहीं मिली, इहदा अर्थ है तू अपने जीवन विच धर्म दे अस्थान ते जा रहा है, उत्थे सिजदा भी करने, उत्थे कुछ भेटा भी चढ़ाने ते कुछ प्रसाद रूप विच लैके भी जाने, पर तेरा जीवन दे विच कुछ तब्दील ना होना इस गल दा प्रतख प्रमाण है भी तू अपनी जिंदगी विच उस विचारधारा नू कोई थां नहीं दित्ती जिहड़ी विचारधारा उस जगह ते सिखाई जा रही है। गल करिए गुरुद्वारे दी, जे गुरु दा सिख गुरुद्वारे हाजरी भर दे ते ओदी समझ विच ओदी सोच विच गुरबाणी है, इहदा अर्थ है ओदा गुरु घर विच हाजिर होना प्रवान है। असी कहने सतगुरु हाजरियां दर प्रवान करे, हुण 50 साल बंदे नूं हो गए गुरु घर आउंदे, रोज अरदास विच शामिल होके हाजरियां दर प्रवान करांदे, पर बाहर निकलदे उहनूं सारियां हाजरियां भुल जांदियां ने, उह रज के करप्शन करदे, रज के किसे दा हक मारदे, रज के किसे नूं उजाड़दा है, रज के अपनी जिंदगी अंदर जुल्म करदे, अपने नीवियां नूं इंज समझदे वी इह तां मेरे बराबर दे नहीं, हंकार भी रज के है, क्रोध भी रज के भरे, वासनावां दी भी कमी कोई नहीं। हुण इहो जिहा बंदा 50 साल हाजरी दर प्रवान करवाउंदा रहा पर हाजरी तां लगी कोई नहीं, क्योंकि जीवन दे विच भैड़ियां आदतां जाणियां चाहीदियां सी, चंगियां आउणियां चाहीदियां सी, उह आईयां नहीं, इहदा अर्थ हाजरी प्रवान ही कोई नहीं। हाजरी प्रवान दा अर्थ है गुरु साहब मैं तेरे दर ते अपना जीवन प्रवान करवाना चाहुंदा, मेरा जीवन तां तेरे दर ते प्रवान होएगा जे तू मेरे ते कृपा करके अपनी मत दवे, मैं तेरी मत लैके तुरा। हुण जिन्हें गुरु की मत ही नहीं ली उहदी हाजरी कित्थों दर प्रवान होएगी।
सतगुरु ने तो ही बड़ा स्पष्ट सिद्धांत दिता, धर्म साड़ी जिंदगी दी लोड़ है जो हमेशा साडे नाल निभे। सतगुरु ने तो ही गुरबाणी विच कहा, नह बिलंब धर्म बिलंब पापंग दृढ़ंत नामंग तजंत लोभंग शरण संतंग किल विखनासंग प्राप्तंग धर्म लखण। उन्हां लखणां नूं उन्हां गुणां नूं उन्हां विचारां नूं अपने जीवन विच लैके आ जो तैनूं सोहणा बनाउंदियां ने, सोहणा सिरजदियां ने। यही कारण है तुसीं तवारीख दे पन्ने पढ़ के वेखो, भावें जिन्हां ने आजादी वास्ते संघर्ष किया, भावें जेड़े मुगलिया सल्तनत दे समय संघर्ष विच सन, जां जिन्हां ने तख्तो ताज दे मालक बन के राजगद्दियां दा निग माणिया, भावें मैदानी जंग विच जूझण वाले जां उस मैदानी जंग विच पाणी दी सेवा करन वाले, सारिआं सिखां दी जिंदगी पढ़ के वेखो। हर एक गुरु का सिख अपने जीवन विच सोहनी विचारधारा लैके तुरते, ते उस आवाज उस बोली नू जदों ओ जीवन दे विच अपनाउंदा है, क्योंकि ओ ओदे गुरु दी है, सोहनी बोली है, सोहनी मत है। मैं एक बेनती करा, सानू तां गुरु की मत चंगी कोई नहीं लगती, जे तां कोई साडे हक विच शब्द कह दे वी हां वी बहुत वड्डा गुरमुख है, बड़ी सेवा करदे गुरु दी, बड़े अपने जीवन दे विच ए गुरु दे नाल जुड़े, फिर तो सानू चंगा लगता है। पर जे ये कवे भी गुरु दे नाल जुड़िया कादा, ये तां रोज पंडित को पांधे को जाके ज्योतिषी को जाके धागे मोलियां लैके आउंदा है, ये तां कबरां ते जाके मत्था टेकदे, भाई तू तां जाके किसे साध बाबे दे पैरी डिगया फिरदे, तू कादा गुरु नाल जुड़िया। फिर मिर्चां लगदियां ने, क्योंकि अपने गलत काम निकल के सामने आउंदे ने। सतगुरु इसे करके सानू सिखाउंदे ने, जे तू अपने जीवन विच धार्मिक तौर ते अपने गुरु नाल जुड़े ते महसूस कर भी मैं गुरु की मत लै रहा, पर साडे जीवन मुताबक जिवें असी चल रहे हां, जे साडे जीवन मुताबक धर्म चल रहा सानू चंगा लगदा है, जे असी अपने आप विच होर दिशा वल जा रहे हां ते धर्म सानू होर दिशा वल जाना चाहुंदे, फिर सानू गुरु की मत गुरु की विचार चंगी नहीं लगती। फिर साडे जीवन दे विच इंज लगदे वी इह तां एवें गल्लां ने, क्योंकि मनुख अपनी सोच मुताबक धारना सिरजदे, अपनी सोच मुताबक परिभाषा बनाते, अपनी सोच मुताबक अपनी जिंदगी दे अंदर वो काम करते, ते ये सोचते भी जे मैं सब कुछ अपनी सोच मुताबक कर रहा फिर धर्म की मर्यादा भी क्यों ना मेरी सोच मुताबक होवे, गुरु की मत की गल भी क्यों ना मेरी सोच मुताबक होवे, गुरुद्वारे विच जो भी आवाज निकले वो मेरी सोच मुताबक निकले। ताई तां तुसी सोच के वेखो, इस हिंदुस्तान की धरती ते जिन्ने भी साडे धार्मिक अदारे ने उन्हां विच कह लिए 99% 1% किते होणगे, 99% किसे बुलारे नूं सच दी गल करन दी इजाजत नहीं। कारण की है, जिहड़ा भी आउंदे उह कहिंदा मेरे मुताबक मर्यादा होवे, मेरे मुताबक बोलण वाला बोले, मैं अपने जीवन दे विच कदी ना बदला, मैं अपना पाप कदी ना छड्डा, मैं अपनी गलत सोच कदी ना त्यागा। इस करके ये कोशिश होवे वी गुरद्वारा साहब जिहड़ा भी बुलारा बोलदे उहनूं अपने मुताबक बोलण वास्ते प्रैशर पाओ, उहदे ते अपने मुताबक बोलण वास्ते दबाव पाओ, तां कि उह मजबूर होके अपनी बोली त्याग के गुरमत छड़ के गुरु दी मत छड़ के साडे कहे मुताबक गल्लां करे। यही कारण है धर्म अलोप हो रहे, क्योंकि जिन्हों जिवें लगदे वो अपनी सोच मुताबक धारना सिरजदा है। सतगुरु दे पक्ष अंदर असी आजादी दी गल करदे हां वी सानू आजाद सोच दी विचारधारा होवे, पर साडियां गुरद्वारियां दियां स्टेजां आजाद नहीं, उस गुलाम दी सोच दे अधीन असी भी आके खड़े, जेड़ा गुलाम मालक दे सामने जाके रोज अपनी जिंदगी दे अंदर जो मालक कहिंदा उही करी जांदे, सारी जिंदगी लंघ गई मालक दी चाकरी करदे,
ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਖ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜੇ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਸਮਝਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿੰਬਲ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ।
पर किसी ने अपने ऑफिस विच निशान साहब नू थां नहीं दित्ती। कारण की है, जदों धर्म दा सिंबल सामने हुंदे फिर धार्मिक विचारधारा चेते आउंदी है, वह चाहीदी कोई नहीं। गुरु साहब कृपा करन, असीं जिथे बाहरी आजादी की गल करते हैं उत्थे अपने जीवन दे विच ए सोच पैदा करिए, पातशाह मैं धार्मिक बोली धार्मिक सिद्धांत नू अपनाउणा ते तुहाडे दर ते परवान ही मैं तां होवांगा। जे मैं सारी दिहाड़ी रज के मेहनत करके कुछ 10 मिनट कढ के गुरु पातशाह तेरी हजूरी विच आउणा, तेरी मत नू सौण सुन के मेरे मन विच खुशी हुंदी है, मैं सारी दिहाड़ी चंगे कर्म करके तेरे कोल आके अरदास करदा, दाता बेनती हाजरी प्रवान करी। सच एवे सोहणे जीवन वाला अपने गुरु दे कोल आउंदे ते उहदी हाजरी प्रवान है, क्योंकि वह गुरु की सोहनी सिक्ख्या मुताबक तुरदे होईआं बेनत फुलां दी खिमा। धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला।